पेटलावत में एसडीएम के फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर बनाए जा रहे फर्जी मतदाता कार्ड और पुलिस व प्रशासन ने फर्जी सेंटर पे की छापामार कार्रवाई, जहां पर फर्जी कार्ड बनाने का जखीरा जब्त किया गया। आरोपी फरार है। दरअसल पेटलावत में 420C का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पेटलावत एसडीएम के फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर मतदाता कार्ड बनाकर दिए जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीएम शिशिर गेमावत के निर्देशन में तहसीलदार जगदीश वर्मा व थाना प्रभारी संजय रावत की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के सिरवी मोहल्ला में एक दुकान में संचालित हो रहे डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर पर छापामार कार्रवाई करते हुए कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए, जहां पर कसार बड़ी निवासी मुकेश पिता शंभूलाल गामड़ के द्वारा फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर करते हुए मतदाता कार्ड संशोधित व नए बनाए जा रहे थे, और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी रूप से रखे हुए मतदाता ब्लैक कार्ड के पैकेट और आधार कार्ड, पीवीसी और अन्य सामान जब्त किया है और दस्तावेजों का जखीरा भी जब्त किया है। साथ में वही पुलिस के द्वारा दिनांक 20 नवंबर को उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त से बाहर है और फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पूरा मामला निर्वाचन आयोग का अभी पत्र प्राप्त हुआ था तहसील में, उसके संबंध में हमारे अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से सुधार करके मतदाता कार्ड बनाए जा रहे थे, उस केंद्र पर हमने कार्रवाई की और उसके प्रिंटर साहब और जो अपने प्रिंटर मशीन और कंप्यूटर हम जब्त करके लाए और उसकी FIR दर्ज करवाई। और मुकेश गामड़ कसार बर्डे का रहने वाला, वो पेटलावत में सिरवी धर्मशाला के सामने अपने दुकान संचालित कर रहा था, उसके यहाँ कार्रवाई की गई। अब ये अभी जो मतदाता कार्ड बन रहे थे वो तो गलत तरीके से बन रहे थे। सिग्नेचर किसके थे? वो अनुभागीय अधिकारी के उठा रहे थे डिजिटल सिग्नेचर। क्या कुछ सर जब्ती की गई है वहाँ से, क्या कुछ आपको मिला है? वहाँ से फार्म, निर्वाचन के फार्म 6-8 और ये खाली बनाने के कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता कार्ड बनाने के खाली कार्ड मिले। सर, एक ही व्यक्ति का काम है या और भी कोई लिंक सामने? अब ये सामने आ रहा है, बाद में उसको पकड़ाने के बाद ही लिंक मालूम पड़ेगा। सर, आपका कार्रवाई कैसे हुई सर? कार्रवाई सर कैसे हुई? कार्रवाई हमने ये कार्ड देख के की। अच्छा, कुछ अलग दिखाओ। हाँ, कार्ड में हमको कि ऐसा सुधार किया जा रहा है वहाँ पे, जबकि ये तहसील से होते हैं। क्या है? SDM साहब को सूचना मिली थी कि डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर सिरवी मोहल्ले में मुकेश पिता शंभूलाल गामड़ निवासी कसार बेडी के द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसके द्वारा फर्जी रूप से मतदाता पत्र तैयार कर ग्राहकों को दे रहा था। इसकी जांच SDM साहब द्वारा, तहसीलदार और उनकी टीम के द्वारा कराई गई है, जो फर्जी रूप से पाए जाने पर आज थाना पेटलावत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें अन्य 420, 467, 474, 476 में धाराओं में। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पेटलावत से नीलेश सोनी की रिपोर्ट।